हेलो दोस्तों, तो कैसे सब आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है उबेर, आप देख रहे हैं ट्रैवल ईवी। आज बात करने वाला हूँ मू ओएस 4 के बारे में, उसे फीचर्स के बारे में, क्या क्या आपको डिटेल्स मिलेंगे सब इस वीडियो में बताने वाला, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट इम्प्रूव्ड जो है हमें मैप देखने मिलेगा। शेयर लोकेशन फ्रॉम ऐप आप शेयर कर सकते हो, गूगल मैप में जैसे यूज़ करते हो वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। आपको जो भी मैप आपको सिलेक्ट करना है मोबाइल के थ्रू, आप इसको स्कूटर के अंदर शेयर कर सकते हो। पहले हमें ऑप्शन नहीं आता था, अभी वो ऑप्शन दिया गया है। फाइंड माई स्कूटर कर सकते हो, और यहाँ पे टेम्पर अलर्ट एक नया जो है, कोई भी आपका स्कूटर चुराने वाला है फिर उसको कुछ ख़राब कर रहा है तो यहाँ पे वो अलर्ट देगा। फिर यहाँ पे गैराज मोड देगा, गैराज मोड के अंदर आपको बैटरी कम से कम यहाँ पे जो है कंज्यूम होगा उसका कुछ ऑप्शन आएगा, तो वो आपको आगे समझाऊंगा। फास्ट हाइपर चार्जिंग का यहाँ पे जो है, हाइपर चार्जिंग अभी जो होता है उससे थोड़ा फास्ट होगा। और इम्प्रूव्ड रीजन, यहाँ पे इम्प्रूव्ड रीजन में क्या होगा कि आपको और थोड़ा यहाँ पर रेंज देखने को मिलेगा। और इसमें जो है आप ऐप से भी यहाँ पे रीजन सिलेक्ट कर सकते हो, लो मीडियम हाई ऐसे वगैरह यहाँ पे ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हो। पहले जो आता था वो सिर्फ, तो प्रॉक्सिमेट्री अनलॉक के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे 10 में से सिर्फ एक से दो बार यहाँ पे वर्क होता है, बाकी यहाँ पे वर्क नहीं होता है, तो वो भी यहाँ पे इन्होंने इम्प्रूव कर दिया है, जो कि हम अभी आगे जब हमको मिल जाएगा तब हम देख लेंगे। तो इसमें रेंज भी इंक्रीज आपको देखने मिलेगा इन मूव ओएस 4। हिल होल्ड पहले यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बीटा वर्जन में, फिर यहाँ पे सभी को जो है हिल होल्ड मिल गया था। अब यहाँ पे डाउन हिल भी यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा, जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो वहाँ पे भी आपको अगर हिल होल्ड करना है तो वो भी आप कर पाओगे। तो यहाँ पे कॉन्सर्ट मोड बोल के एक आएगा जो सिंक करेगा, एक चार पांच स्कूटर जैसे आपके आजू बाजू रहेंगे और एक सिंक करेंगे तो कॉन्सर्ट मोड यहाँ पे वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने कितना किलोमीटर चला है, कितना आपने पेट्रोल बचाया है वो भी यहाँ पे दिखाएगा, बैटरी का इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, आपके जो सेल्स वगैरह उसका इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे बहुत सारे आपको फीचर्स दिखने मिलेंगे, और अपने मूड्स वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, थीम्स भी हम यहाँ पे चेंज करने को मिलेगा। तो बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं मू ओएस 4 में। और मू ओएस 4 जब लॉन्च होगा वो है डेट सितंबर बोल रहे हैं, बट यहाँ पे अभी कुछ फाइनल नहीं है सितंबर। और अगर वो सितंबर में बीटा वर्जन रिलीज़ करते हैं तो फाइनल वर्जन आते आते 2 से 3 महीने लग जाएंगे। लास्ट टाइम मू ओएस 3 का भी ऐसा हुआ था, मू ओएस 4 अगर वो रिलीज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 से 3 महीने के अंदर आपके सबको स्टेबल वर्जन मिल जाएगा। बीटा वर्जन तो सबको मिल जाएगा बैच वाइज, आगे आपको वो भी स्टेबल वर्जन मिल जाएगा। तो बस मूव ओएस 4 के बारे में यही डिटेल था। और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बस वीडियो में यही था दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।